नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में सीखेंगे और जानेंगे गूगल क्रोम के एक ऐसे बेहतरीन प्लगइन या फिर एक्सटेंशन के बारे में जिसकी मदद से आप अपनी वेब सिक्योरिटी को और इन्हांस कर सकते हैं या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। कैसा हो अगर आपको पहले ही पता चल जाए जो भी वेबसाइट आप विजिट कर रहे हैं या फिर जो भी कंटेंट आप ऑनलाइन क्रोम पर विजिट कर रहे हैं वो आपके लिए सिक्योर है या फिर नहीं है, तो इसी सब के बारे में आज की वीडियो है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप कुछ नॉलेजेबल सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको करना क्या, आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। तो हमने जैसे गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको राइट साइड में कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फिर थ्री डॉटेड आइकन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आइए और आपको एक मोर टूल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपल आप मोर टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए और थर्ड नंबर का ऑप्शन मिलता है एक्सटेंशन का ऑप्शन, आप एक्सटेंशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। तो जैसे आप एक्सटेंशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार के वेब पेज देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपल लेफ्ट साइड में मेन मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आइए और ओपन क्रोम वेब स्टोर के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। आप इसे लिंक की मदद से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप इसे ओपन कर लेंगे तो लेफ्ट साइड में सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है एवास्ट ऑनलाइन सिक्योरिटी। जी हाँ, एवास्ट ऑनलाइन सिक्योरिटी। आप जानते होंगे इसका एक ऑनलाइन एंटीवायरस भी आता है, आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप एवास्ट ऑनलाइन सिक्योरिटी क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का क्रोम एक्सटेंशन देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले आप इस एक्सटेंशन पर या फिर प्लगइन पर क्लिक कर लीजिए। तो जैसे आप प्लगइन पर क्लिक करते हैं, ये और एक्सटेंशन बहुत ही बेहतरीन है और अच्छा एक प्लगइन है। इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं इसकी स्टार रेटिंग, इसकी 4.5 के लगभग स्टार रेटिंग है। जो इसके डाउनलोड्स हैं उसके 23,000 से लगभग डाउनलोड्स हैं और जो यूनिक यूजर्स हैं उसके 1 करोड़ के ऊपर यूनिक यूजर्स हैं। आप सिंपल इसका नीचे रिव्यू पढ़ सकते हैं, आपको किस प्रकार से इसे रिव्यू कर सकते हैं। आप यहाँ से कुछ बेसिक रिव्यूज के पढ़ सकते हैं, इसका वर्जन देख सकते हैं और इसके जो साइज देख सकते हैं, टोटल साइज कितनी इसकी 771 KB के लगभग इसकी साइज, यानी कि 1 MB से भी लेस इसकी साइज है। आपको सिंपल इसे किस प्रकार से ऐड करना, ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपसे परमिशन मांगा, आप इसे परमिशन दे दीजिए एक्सटेंशन देकर। जैसे आप इसे परमिशन दे देते हैं, नीचे की तरफ एक डाउनलोड ओपन हो चुका है। इसके बाद जैसे आपको करना है सिंपल न्यू टैब ओपन कर लीजिए। तो देखिए जैसे आपने न्यू टैब ओपन कर लिया, आपको यहाँ पे एवास्ट ऑनलाइन सिक्योरिटी हैज बीन एडेड टू योर क्रोम। इसके बाद जैसे आप देख लेंगे, आप कुछ इस प्रकार का आइकन देखने को मिल जाएगा। अब इस आइकन के कुछ फीचर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं इस एक्सटेंशन के कुछ बेसिक फीचर्स और इसे किस प्रकार से यूज होते हैं। आप जैसे आप गूगल पर कोई भी टर्म सर्च करते हैं, जैसे मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको, अगर मान लो जैसे आप पासपोर्ट रिलेटेड कुछ वेबसाइट सर्च करते हैं या फिर कुछ कंटेंट सर्च करते हैं, तो सबसे पहले आप टाइप कर लीजिए पासपोर्ट। जैसे आप पासपोर्ट एंटर कर देंगे, उसके बाद आपको राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे आपको आइकन ग्रीन हो चुका है। जो अवास्ट सिक्योरिटी ऑनलाइन सिक्योरिटी का आइकन है वो ग्रीन हो चुका है। अब आप सिंपल इस आइकन पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क मिल रहा है दिस साइट इज सेव, यानी कि पर्टिकुलर जितनी भी इस वेब पेज पे जो वेबसाइट्स हैं वो सारी ऑटोमेटिकली सेव हैं या फिर सिक्योर है। आप ऐसे इन वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन भी देखने मिल रहा है, अगर आप चाहें तो इसमें अपना जो ओपिनियन है वो भी दे सकते हैं। आप चाहें तो पॉजिटिव ओपिनियन दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, फिर नेगेटिव ओपिनियन दे सकते हैं। इसके बाद ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं कितना ट्रैकिंग सिस्टम है। आप यहाँ से देख सकते हैं एड ट्रैकिंग सिस्टम कितना है, सोशल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम कितना है, वेब एनालिटिक्स कितना है और अदर्स कितने हैं। यहाँ से अपना ट्रैकिंग सिस्टम कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कितनी कितनी वेबसाइट्स आपके जो डाटा को ट्रैक कर रही है, जिसकी मदद से आप डाटा लीक से बच सकते हैं। अब पर्टिकुलर किसी भी आप वेबसाइट को विजिट करते हैं, कोई से भी लिंक को आप विजिट करते हैं, तो उस लिंक के आगे आपको पर्टिकुलर ग्रीन कलर का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, ग्रीन आइकन देखने को मिल जाएगा। इस आइकन में लिखा रहेगा दिस साइट इज सेफ। अगर आपको आइकन रेड मिले तो आपको उस वेबसाइट को विजिट नहीं करना है, यानी वो वेबसाइट पर्टिकुलरली आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, आपके डेटा के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो आपको कुछ इस प्रकार का आइकन देखने को मिल जाएंगे। आप यहां से कई किसी प्रकार का कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार की वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में राय जान सकते हैं। इस एंटीवायरस की मदद से आप सिंपली अपनी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो वेबसाइट आपके लिए सिक्योर है या फिर नहीं है। उसकी मदद से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी वेब सिक्योरिटी। इसके अंदर जैसे कुछ अदर फीचर्स में आपको देखने मिल जाते हैं, सिंपल आप यहाँ से इस वेबसाइट पर क्लिक कर लीजिए, इस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद इसमें कुछ ऑप्शंस का फीचर आ जाता है, ऑनलाइन सिक्योरिटी का ऑप्शन इसमें ऑप्शन आ जाता है, इसमें ऑप्शंस का फीचर आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस के फीचर में जैसे आप क्लिक करते हैं, इसके बाद आप यहाँ से ऑप्शंस को देखने मिल रहे हैं। जैसे आप डाटा शेयरिंग के लिए ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है, डू नॉट ट्रैक का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। आप इसमें ट्रैकिंग आईडी को ब्लॉक भी कर सकते हैं। एंटी फिशिंग से बचने के लिए भी इसमें आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, स्कैन वेबसाइट एंड मल्टीवर प्रिवेंट फिशिंग। जो एक्सटेंशन है आपके जो किसी वेबसाइट को स्कैन करता है और उसके बाद में आपको मालवेयर या फिर एंटी फिशिंग से बचाता है। फिशिंग का मतलब ये होता है किसी भी सिंपल एक पॉपुलर वेबसाइट का एक डुप्लीकेट पेज बना दिया जाता है, जिसमें आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो आपके डिटेक्ट कर लिया जाता है और उससे मदद से आपके डेटा सिक्योरिटी को हैक कर सकते हैं। इस बेसिक प्लगइन की मदद से आप अपनी गूगल क्रोम की जो सिक्योरिटी या फिर वेब सिक्योरिटी उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप इस प्लगइन को या फिर एक्सटेंशन में यूज़ कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है इस वीडियो रिलेटेड या फिर हमारे प्रीवियस वीडियो रिलेटेड, तो प्लीज़ हमारे कॉन्टेक्ट में कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आप टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।